हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास फिफ्थ. दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ 8th चैप्टर ऑफ इंग्लिश फर्स्ट. अच्छा, आपका चैप्टर नेम क्या है? एलिस एंड द कैटरपिलर. ओके, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड बिगिन व्हेन सी फॉलोस ए रैबिट डाउन ए होल. तो क्या होता है, जो एलिस के एडवेंचर थे इन वंडरलैंड, वंडरलैंड मीन्स होता है एक सरप्राइजिंग, सरप्राइज वाली जो जगह थी जहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस थे, बिगिन शुरू हो गए थे. व्हेन शी फॉलोज ए रैबिट डाउन ए होल, जब वो किसको फॉलो कर रही थी, एक रैबिट को जो कि होल के अंदर चला गया था. मिस्टीरियस थिंग स्टार्ट हैपनिंग, और बहुत सी रहस्यमय चीज़ें उसके साथ होने लगी थी. फॉर एग्जाम्पल, शी श्रिंक वाई ड्रिंकिंग ए पोशन एंड ग्रोज वेरी लार्ज वाई ईटिंग ए केक. वो क्या, एक पोशन मीन्स होता है ए लिक्विड विद मैजिक पावर, एक लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जिसमें मैजिक पावर होती थी, तो वो उसको पी के मतलब छोटी हो जाती थी, और एक केक था जिसको, केक को खाकर वो बड़ी हो जाती थी. स्लोली मतलब जल्दी ही, एलिस लर्न टू एडजस्ट हर साइज एंड मूव अबाउट इन वंडरलैंड इन सर्च ऑफ द गार्डन फ्रॉम वेयर सी हैड एंटर्ड द स्ट्रेंज लैंड. और जल्दी ही एलिस ने क्या सीख लिया था, अपने साइज को एडजस्ट करना सीख लिया था, और वो उस वंडरलैंड में सर्च कर रही थी, उस गार्डन में क्या सर्च कर रही थी, मतलब वेयर मैंने जब वहाँ कहाँ से उसने उस स्ट्रेंज मैंने उस स्ट्रेंज लैंड में एंटर किया था, उस रास्ते को वो सर्च कर रही थी. ओके, सी मीस्ड स्ट्रेंज कैरेक्टर्स लाइक द मैड हैटर, द सेसियर कैच एंड द क्वीन ऑफ हार्ट्स. और वह उस जगह बहुत से कैरेक्टर से मिली, जैसे कि मैड हैटर, सेसियर कैच एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स. ओके, हियर सी मीट्स द कैटरपिलर, और वो यहाँ पर एक कैटरपिलर से भी मिली. ओके, द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू डू सेड एलिस टू हरसेल्फ. पहली चीज़ मुझे क्या करना चाहिए, उसने खुद से कहा. पहला तो मुझे ये कि क्या करना चाहिए, एज सी वॉकड अबाउट इन द वुड. वुड मीन्स होता है स्मॉल फॉरेस्ट. इस स्मॉल फॉरेस्ट में पहले तो मुझे अपने मतलब जो क्या है कि अपना मतलब साइज मतलब पहले मुझे क्या करना चाहिए, उसने उस खुद से कहा. और मैं यहाँ जो मतलब इस मतलब जो वॉक में क्या कर रही हूँ, इज टू ग्रो टू माई राइट साइज. अगेन द सेकेंड थिंग इज टू फाइंड माई वे इन टू दैट लवली गार्डन. पहले तो मुझे अपने सेम मतलब पहले जैसे साइज में आना चाहिए, और दूसरा मुझे क्या करना चाहिए, इस लवली गार्डन में, सुंदर से गार्डन में वो रास्ता खोजना चाहिए जहाँ से मैंने इस गार्डन में एंटर किया था. ओके, आई थिंक वॉट विल बी द बेस्ट प्लान, ये मेरे लिए एक अच्छा प्लान है. ओके, आई सपोज आई ऑट टू ईट और ड्रिंक समथिंग और द अदर, बट द ग्रेट क्वेश्चन इज वॉट. पर मैं सोचती हूँ मुझे कुछ खाना या पीना तो चाहिए, जिससे कि मैं पहले मतलब उससे पहले मुझे कुछ खाना और पीना चाहिए, लेकिन बट द ग्रेट क्वेश्चन पर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वहाँ क्या मतलब उस मैं जंगल में क्या खाऊँ या पीऊँ. एलिस लुक्ड ऑल राउंड हर द फ्लावर एंड द ब्लैडर्स ऑफ ग्रास. एलिस ने क्या किया, उस फ्लावर और जो ग्रास की ब्लेड्स होती है ना, उसको देखा. वट शी डिड नॉट सी एनीथिंग दैट लुक्ड राइट टू ईट और ड्रिंक, पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सही सा जिसको वे खा सके और पी सके. ओके, देयर वॉज ए लार्ज मशरूम ग्रोइंग नियर हर, एक बड़ा सा मशरूम का पेड़ जो कहाँ हुआ उगा हुआ था, उसके पास में ही उगा हुआ था. जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, ये मशरूम का पेड़ है जो उसके पास में उगा हुआ था. अबाउट द सेम हाइट एज हरसेल्फ, और उतनी ही हाइट का था जितना कि वह खुद थी. शी लुक्ड अंडर इट, उसने उसके अंदर झांक के देखा. एंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट, और उसकी दोनों साइड्स पर झांका. एंड बिहाइंड इट, और उसके पीछे भी. देन सी स्ट्रेच हरसेल्फ ऑफ ऑन टिपटोर टू सी व्हाट वॉज ऑन द टॉप ऑफ इट. मतलब ऑन टिपटो मीन्स क्या होता है, इज़ टू स्टैंड ऑन योर टोस विद योर हील्स ऑफ द ग्राउंड. और वो इस तरीके से, किस तरीके से अपने टोस को इधर टोस पे, एक लोग खड़े हो जाते हैं ना, टोस पे खड़ी हो गई ये देखने, अब मतलब खुद को फैलाया और टोस पे खड़ी हो गई और देखने के लिए उसके टॉप पे क्या हुआ है. सी पीप्ड ओवर द एज ऑफ द मशरूम, और उसने झांका कहाँ पे, मशरूम में के किनारों पर झांका. एंड हर आईज इमीडिएटली मीट दोज ऑफ ए लार्ज कैटरपिलर, और उसकी जो आइज थी इमीडिएटली किससे मिली जाके, एक बड़े से कैटरपिलर से. देखिए किस तरीके से वो अपने टोस पे खड़ी हो गई और उसको झांक के देख रही, और उसकी आइज उस कैटरपिलर से मिली जाके. दैट वॉज सिटिंग ऑन द टॉप पर बैठा हुआ था विद इट्स आर्म्स फोल्ड, अपने आर्म को फोल्ड करके हुए वह उस टॉप पर बैठा हुआ था. ओके, योर लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड, और आपको होमवर्क में इसकी रीडिंग करनी है. ओके.
थैंक यू क्लास।